हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीबीएन ई लर्निंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के इस वीडियो में चैप्टर 5th कॉम्प्लेक्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहां पर सॉल्व करेंगे। तो यहां पे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के डेफिनेशन देखनी है। सबसे पहले देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर ए नंबर इज द ए नंबर ऑफ द फॉर्म, ए नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी, ए नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी वेयर ए एंड बी एनी रियल नंबर एंड आयोटा इज इक्वल टू रूट माइनस वन इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड इट जनरली डिनोटेड बाई जेड, दस ए जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। क्लियर। अब देखिए ए क्या है, ए इज रियल पार्ट एंड इट्स डिनोटेड एच रियल ए प्लस आयोटा बी और रियल जेड। एंड बी इज इमेजिनरी पार्ट्स डिनोटेड एज इमेजिनरी ए प्लस आयोटा बी और इमेजिनरी जेड। तो ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के डेफिनेशन है कि एक नंबर ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में होगा, वेयर ए एंड बी एनी रियल नंबर है एंड आयोटा इज इक्वल टू रूट माइनस वन इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इज जनरली डिनोटेड बाय जेड, जेड से डिनोट करते हैं। दस को कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा आपका, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ए इज रियल पार्ट and it's denoted as real a plus iota b या real z कह सकते हैं। and b is imaginary parts denoted as imaginary a plus iota b और imaginary z। तो इस प्रकार से आपके कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। आप देखिए इसको स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप इसके क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट मैं आपसे कह रहा है एवल्यूट, एवल्यूट फर्स्ट पार्ट रूट माइनस के 9 इंटू रूट माइनस 121। तो देखिए आप रूट 9 की वैल्यू क्या होती है आप जानते हैं 3, रूट 121 की वैल्यू होती है 11 रूट में, लेकिन आप यहां देख रहे हैं कि रूट माइनस 9 है। तो आप क्या करते हैं, बहुत से बच्चे देखते हैं कि रूट माइनस 9 है तो आपकी वैल्यू माइनस 3 हो जाएगी। गलत है, रूट माइनस 9 की वैल्यू माइनस 3 नहीं होगी। तो आप देखिए इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, रूट 9 इंटू रूट माइनस 1 इंटू रूट 121 इंटू रूट माइनस 1। क्लियर। और अभी आपने पढ़ा है रूट माइनस 1 क्या होता है आपका आयोटा, तो ये आपका क्या हो गया 3, ये आपका आयोटा इंटू ये आपका 11, ये आपका हो गया आपका आयोटा। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 33 आयोटा स्क्वायर, और 33 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस के 1, तो आपकी वैल्यू होगी माइनस के 33। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी चार वैल्यू का यूज सबसे ज्यादा
पूरे कॉम्प्लेक्स में आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ आयोटा इज इक्वल टू आपका रूट माइनस वन, आयोटा स्क्वायर होता है आपका माइनस वन, आयोटा का क्यूब हो जाएगा माइनस आयोटा, और आयोटा पावर फोर की वैल्यू होती है वन। यहाँ पे इन चारों वैल्यूओं का यूज पूरे कॉम्प्लेक्स में आपको देखने को मिलेगा। तो ये चार वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है, आयोटा की वैल्यू रूट माइनस वन, आयोटा स्क्वायर माइनस वन, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस का आयोटा, और आयोटा पावर फोर की वैल्यू वन। तो यहाँ पे देखिए आपका आयोटा स्क्वायर आया है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो 33 इंटू माइनस वन क्या हो गया माइनस के 33। यह आपका फर्स्ट पार्ट। इसी प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट के सभी पार्ट्स इसी प्रकार से करेंगे। देखिए सेकंड वाला पार्ट ले, क्या कह रहा है, रूट माइनस के 25 इंटू रूट माइनस 49। एक दो सवालों में आपको ये अलग अलग लिखने की जरूरत है, बाकी आप सीधे भी लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे रूट 25 इंटू रूट माइनस वन इंटू ये आपका 49 इंटू रूट माइनस वन। तो देखिए ये आपका हो गया 5, ये आपका आयोटा इंटू ये 7 और ये आपका आयोटा। मल्टीप्लाई करने पर आपका 35 आयोटा स्क्वायर, और आप जानते हैं 35 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 35। इस प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट के सारे पार्ट्स आपको सॉल्व कर रहे हैं, क्लियर। अब देखिए आगे हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उसमें भी आपसे कह रहा है एवेल्यूट आयोटा पावर 243। अब देखिए सवाल हमारा इस प्रकार का है कि आयोटा पावर 243 है, यानी आयोटा पावर देखिए 4 तक हम जानते हैं, अगर 4 तक होता है तो हम उसकी सीधी वैल्यू लिख देते हैं। 1 पावर है तो रूट माइनस वन, 2 पावर है तो माइनस वन, 3 पावर है तो माइनस आयोटा, 4 पावर है तो 1। लेकिन हमारी बहुत ज्यादा वैल्यू है तो हम क्या करते हैं कि उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं आयोटा पावर 4। अब देखिए 243 है, या हम इस प्रकार से देखें कि 243 को 4 से डिवाइड कीजिए तो आपका कितनी बार चला जाएगा 6 3 0, ये आपका 3 आपका क्या हो गया रिमाइंडर। तो देखिए ये आपका 60 कंप्लीट डिवाइड हो जाता है 240, तो आपकी पावर बची कितनी 3। इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि जितनी भी बड़ी वैल्यू है उसको हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे, और जितना कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा वो आपकी आयोटा पावर 4 की पावर की फॉर्म में बनाएंगे, और जो एक्स्ट्रा आपका यानी 1 2 3 जो आपका रिमाइंडर होता है उसको आप अलग से इस प्रकार से लिखेंगे, क्लियर हो गया। यानी कि आयोटा पावर 4 की पावर 60 है, तो ये हो गया आपकी आयोटा पावर 240, और आपका कितना है 243, तो आपकी आयोटा पावर 3 आपका रिमाइंडर में था, तो ये आपका आयोटा पावर 3 को आप अलग से लिखेंगे। तो अब आप जानते हैं आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, और 1 की पावर 60, और यहाँ आयोटा पावर 3, तो 1 की पावर 60 क्या होगी वैल्यू 1 ही हो गई, और आयोटा पावर 3 है तो ये माइनस के आयोटा, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के आयोटा। इस प्रकार से यहाँ पे जितने भी आपके आयोटा की पावर है उसको हम इस फॉर्म में आप बनाएंगे पहले, और तब उसको सॉल्व करेंगे। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, आयोटा पावर -79 सेकंड वाला, क्लियर। अब देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/आयोटा पावर 79, क्लियर। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसका आयोटा का मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और नीचे, तो ऊपर हो जाएगा आपका आयोटा और नीचे हो जाएगा आयोटा पावर 80। अब हम आयोटा को तो हम आयोटा रखें, और आयोटा पावर 80 को हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 की पावर 20। अब आपकी वैल्यू आयोटा की, तो आपका आयोटा ही है ऊपर, और ये आपका 1 हो जाएगा, 1 की पावर 20, तो आपका क्या हो गया रिजल्ट आयोटा आपको मिलेगा। इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट देखिए थर्ड वाला पार्ट, 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा का क्यूब प्लस 3 आयोटा पावर 16 माइनस 6 आयोटा पावर 19 प्लस 4 आयोटा पावर 25, इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए 2 आपका 2 ही रहेगा, आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं माइनस वन, प्लस 6 आपका 6 ही रहेगा, और आयोटा पावर क्यूब की वैल्यू हम जानते हैं माइनस आयोटा, प्लस 3
आईटा पावर 16 है तो आईटा पावर 4 की पावर 4 हो जाएगा माइनस 6 आईटा पावर 4 की पावर 4 हो जाएगा तो यह हो गया 16 तक और आपकी आईटा पावर 19 है तो आईटा पावर 3 को आप अलग से लिखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ आपका 4 है और आईटा पावर 4 की पावर क्या बना ले 6 तो आपका कितना 1। इस प्रकार से आप लिखें, अब इसकी वैल्यू निकालें 2 × −1 क्या हो गया माइनस के 2 ये आपका हो जाएगा माइनस 6 आयोटा ये आपका 3 आयोटा पावर 4 की पावर 4 है तो क्या हो गया आपका 1 1 × 3 क्या हो गया 3 माइनस 6 आयोटा पावर 4 की पावर 4 है तो 1 हो गया यहाँ तक क्लियर तो आपका 1 1 × 6 आपका 6 हो गया लेकिन आपका आयोटा क्यूब है तो आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस के आयोटा तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और 6 आयोटा क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 4 का 4 है आयोटा पावर 4 की पावर 6 है तो इसकी वैल्यू हो गई 1 और ये आपका आयोटा है तो ये आपका हो गया 4 आयोटा क्लियर। अब देखिए इमेजिनरी पार्ट को आपको एक साथ प्लस करना है और रियल पार्ट को एक साथ तो ये माइनस के 2 और प्लस के 3 तो आपका 1 हो गया किसका प्लस का। अब यहाँ माइनस के 6 आयोटा और प्लस के 6 आयोटा आप कैंसिल कर सकते हैं तो आपका इमेजिनरी वाला पार्ट बचा आपका 4 आयोटा तो ये आपकी वैल्यू हो गई 1 + 4 आयोटा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सेकंड के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन थर्ड देखिए। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है एवेन्यू द फॉलोविंग क्वेश्चन थर्ड आपका 1 + यानी कि ये आपका आयोटा पावर 19 है आयोटा पावर 19 प्लस 1 / आयोटा पावर 25 और पूरे का आपका स्क्वायर ये आपका फर्स्ट पार्ट क्लियर। सेकंड वाला पार्ट इस प्रकार से है आयोटा की पावर 592 प्लस आयोटा पावर 590 प्लस आयोटा पावर ये आप तो पूरा इस प्रकार से जान लेते हैं आयोटा पावर 592 आयोटा पावर 590 प्लस आयोटा पावर 588 प्लस आयोटा पावर 586 प्लस आयोटा पावर 584 अपॉन आयोटा पावर 582 प्लस आयोटा पावर 580 प्लस आयोटा पावर 578 प्लस आयोटा पावर 576 प्लस आयोटा पावर 574 ये आपका सेकंड वाला पार्ट। अब देखिए यहाँ आपको वैल्यू निकालनी है इसकी तो फर्स्ट वाले पार्ट को इस प्रकार से यहाँ मैं ले रहा हूँ आयोटा पावर 19 प्लस 1 / आयोटा पावर 25 का पूरे का स्क्वायर है होल स्क्वायर है क्लियर ये है आपका सवाल। अब देखिए आपसे कह रहा है आयोटा पावर 19 तो हम आयोटा पावर 4 की पावर कितना बना सकते हैं 4 ये 16 हो गया। अब आपको 19 था तो आपकी आयोटा पावर 3 आपका शेष। अब यहाँ आपका 1 / आयोटा पावर कितना हो गया 25 चलो नेक्स्ट उसमें कर लेंगे। अब आपका आयोटा पावर 4 की पावर 4 × आयोटा पावर 3 प्लस 1 / आयोटा पावर 4 की पावर कितना 6 × आयोटा पावर 25 को लिख सकते हैं क्या होल स्क्वायर क्लियर। अब आयोटा पावर 4 की पावर 4 है तो इसकी वैल्यू 1 हो गई और बचा कितना आपका आयोटा पावर 3 और आयोटा पावर 3 की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा क्लियर। अब प्लस आयोटा पावर 4 की पावर 6 है तो ये 1 हो गया तो प्लस के 1 / आयोटा क्लियर। अब यहाँ पे स्क्वायर है अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप इस प्रकार से सॉल्व करें कि ये आपका हो जाएगा माइनस के आयोटा स्क्वायर
प्लस वन अपॉन आयोटा, क्लियर। अब ये माइनस आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस के वन, तो ये आपका हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन आयोटा और आपका स्क्वायर चल रहा है, तो टू अपॉन आयोटा का स्क्वायर, टू का फोर कर दें हम, डायरेक्ट कर दिया मैंने, या यहाँ पे टू अपॉन आयोटा ऐसे लिख सकते हैं, तो टू का फोर हो गया, आयोटा का आयोटा स्क्वायर हो गया, तो फोर अपॉन माइनस वन, तो वैल्यू होगी आपकी माइनस फोर। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फोर्थ है, करा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ, ये आपको पार्ट मैंने यहाँ पे लिए हैं, दो क्या कह रहा है, फोर एक्स प्लस आयोटा थ्री एक्स माइनस वाई इजिकल टू थ्री माइनस आयोटा सिक्स, क्या है इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, रियल पार्ट देखिए ये रियल पार्ट है, फोर एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा थ्री, एंड ये इमेजिनरी वाला पार्ट है थ्री एक्स माइनस वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा माइनस सिक्स, तो एक्स इजिकल टू थ्री बाई फोर, एंड यहाँ पे देखिए आप पुट द वैल्यू ऑफ, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट डाल सकते हैं आप, इसको इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, थ्री एक्स, एक्स की वैल्यू है थ्री बाई फोर माइनस वाई इजकल टू माइनस सिक्स, नाइन अपॉन फोर माइनस वाई इजकल टू माइनस सिक्स, माइनस वाई इजकल टू क्या होगा माइनस सिक्स माइनस नाइन बाई फोर, माइनस वाई इजकल टू माइनस ट्वेंटी फोर माइनस नाइन अपॉन फोर, माइनस के वाई इजकल टू माइनस के थर्टी थ्री अपॉन फोर, वाई इजकल टू थर्टी थ्री बाई फोर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, क्लियर। अब देखिए इसका सेकंड वाला पार्ट सेम इसी प्रकार से करना है, रियल पार्ट को रियल और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रखना है। देखिए यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट थ्री वाई माइनस टू प्लस आयोटा सेवन माइनस टू एक्स इजकल टू जीरो, तो थ्री वाई माइनस के टू प्लस आयोटा सेवन माइनस टू एक्स, इसको हम जीरो प्लस आयोटा इंटू जीरो लिख सकते हैं, क्लियर। तो ये आपका रियल वाला पार्ट और ये आपका इमेजिनरी वाला पार्ट है, तो इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स, इमेजिनरी रियल है ये थ्री वाई माइनस टू इजकल टू क्या हो गया जीरो, सेवन माइनस टू एक्स भी क्या हो जाएगा जीरो, थ्री वाई माइनस टू है थ्री वाई माइनस टू इजकल टू क्या हो गया जीरो, सेवन माइनस टू एक्स इजकल टू जीरो, क्लियर। तो ये थ्री वाई इजकल टू टू वाई इजकल टू आपका टू वाई थ्री, इसी प्रकार से माइनस टू एक्स इजकल टू माइनस सेवन, माइनस से माइनस एक्स इजकल टू आपकी वैल्यू हो जाएगी सेवन बाई टू, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब देखिए सेम इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन फिफ्थ है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपका देखिए यहाँ पर लेता हूँ सवाल है, वन प्लस आयोटा का आयोटा वाई स्क्वायर प्लस सिक्स प्लस आयोटा इजिकल टू टू प्लस आयोटा इन टू एक्स। अब देखिए यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आपका अलग अलग नहीं है, तो आप पहले उसको लिखेंगे वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई करें इसमें, तो वाई स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर प्लस सिक्स प्लस आयोटा इजिकल टू टू एक्स प्लस आयोटा, इस फॉर्म में पहले इसको मल्टीप्लाई। अब देखिए ये रियल वाला पार्ट है, अब ये तो रियल वाई स्क्वायर प्लस सिक्स रियल को रियल के साथ ऐड कर दिया और इमेजिनरी को इमेजिनरी, देखिए ये आपका वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे आयोटा ले सकते हैं कॉमन, वाई स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा और ये आपका टू एक्स प्लस आयोटा, क्लियर। इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स
ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, क्लियर। वाई स्क्वायर प्लस सिक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, टू एक्स, और वाई स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, वन। वाई स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू यहां पे एक्स है, आल्टा एक्स, क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा एक्स, क्योंकि एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम एक्स का टू एक्स और एक्स का आयोटा के साथ, तो आयोटा एक्स, तो यहाँ पे आयोटा एक्स हो रहा है, क्लियर। तो ये आपका इमेजिनरी और रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आपका हो गया, वाई स्क्वायर प्लस सिक्स इजकल टू टू एक्स, ये आपका रियल, ये आपका इमेजिनरी, तो ये आपका वाई स्क्वायर प्लस वन इजकल टू एक्स। तो अब हम एक्स की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, ये आप फर्स्ट डाल सकते हैं और ये आप सेकंड, एक्स की वैल्यू सेकंड से हम किस में रख दें, फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस सिक्स इज इक्वल टू टू एक्स, और एक्स की वैल्यू है वाई स्क्वायर प्लस वन, तो वाई स्क्वायर प्लस सिक्स इज इक्वल टू टू वाई स्क्वायर प्लस टू, क्लियर। अब ये आपका इधर ले जाए, तो ये आपका वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर को इधर ले गया, तो वाई स्क्वायर इजकल टू फोर, वाई इजकल टू प्लस माइनस टू आ जाएगी। अब वाई की वैल्यू को पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन सेकंड, तो टू का स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स, फोर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू आपकी हो गई फाइव। बट यहाँ पे वाई की वैल्यू आपकी दो है और एक्स की वैल्यू आपकी एक है, लिख सकते हैं आप इफ हेंस एक्स इज इक्वल टू फाइव एंड वाई इज इक्वल टू टू, एंड एक्स इज इक्वल टू फाइव और y इज इक्वल टू माइनस टू, आपकी y की दो वैल्यू है, एक बार प्लस और एक बार माइनस यूज कर सकते हैं, और x की आपकी फाइव है। इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है।